जो है सोलिस कंपनी की तरफ से जो है आने वाला 4215 मॉडल जो आपके सामने खड़ा है, इसके बारे में अपन पूरी जानकारी लेंगे कैसे क्या जो है कंपनी ने इसमें फीचर्स जो है एड ऑन किए हैं और क्या कुछ जो जो अन्य ट्रैक्टर्स के हैं जो कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती और ये आपको जो है कंपनी अवेलेबल करवाती है, और क्या जो है प्राइस पॉइंट में आपको ट्रैक्टर पड़ने वाला है, और उसके अलावा जो डीजल खपत की बात करें अपन और क्या कुछ जो आप इस पे जो है इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, सारी अपन जानकारी लेंगे। तो वीडियो जो नए देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारे साथ एक जो है भैया हैं तो वो अपन को जो है पूरी जो है डिटेल में इसकी जानकारी देंगे। तो नमस्ते भैया। नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम साहिल भान है और मैं सोलिस यानमार कंपनी में पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जो सोलिस यानमार ब्रांड है, ये मैं बता दूं आपको कि 167 देशों में ट्रैक्टर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और 2019 से, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने देखा ट्रैक्टर इंस्टाग्राम पे, तो 2015 से उन्होंने हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे डालना शुरू किया कि भारत का ट्रैक्टर आप भारत में बना रहे हैं पर भारत में दे नहीं रहे हैं। तो 2019 से हमने इसके ऑपरेशंस भारत में चालू किए। ये ई सीरीज़ का मॉडल है 4215, इसमें अन्य ट्रैक्टर भी आते हैं जैसे कि 4015, 4215, 44, 45, 50, 55, तो ये सभी मॉडल टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव सभी मॉडल्स में अवेलेबल है हमारा, ठीक है। तो जो सोलिस यानमार है, यानमार एक ऐसी कंपनी है जो 100 साल पुराना एक्सपीरियंस रखती है ट्रैक्टर इंडस्ट्री का, 100 साल पुरानी कंपनी है और इनके मोस्ट रिफाइंड इंजन हैं आज के समय में। इनके इंजन जॉन डियर जैसी बड़ी कंपनी, इवन स्वराज और कुछ महिंद्रा ओजा जो आप जानते हैं नया आया है, तो वो सभी यानमार के इंजन्स को इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रैक्टर्स के अंदर। तो वो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, वो जैपनीज कंपनी है यानमार की, और उनके अपने ट्रैक्टर भी हैं और हमारे पास उनका एक्सपीरियंस है जो हमने जैपनीज टेक्नोलॉजी अपने ट्रैक्टर में दी है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको इसकी लुक्स, आप देख सकते हैं दोस्तों की बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक्स हैं। ऐसी मार्केट में लुक्स आज के समय में अवेलेबल नहीं है किसी भी कंपनी के पास। सबसे पहली ब्रांड की जो इमेज है हमारी, डैट इज़ विद रिस्पेक्ट कि हमने किसान के लिए खूबसूरत ट्रैक्टर बनाया है। अब खूबसूरत तो ट्रैक्टर फील्ड में काम नहीं आएगा, काम में क्या आएगा, उसका परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैक्टर हमारा कैसे बेहतरीन है और क्या एडवांस टेक्नोलॉजी हम अपने ट्रैक्टर में दे रहे हैं उसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें बात करते हैं हम E3 इंजन की। E3 इंजन जो टेक्नोलॉजी है, डैट इज़ जैपनीज टेक्नोलॉजी, उसके अंदर हमने एक्स्ट्रा टॉर्क, एक्स्ट्रा पावर और एक्स्ट्रा माइलेज, ये तीनों का वादा किसान से किया है। तो ये एक्स्ट्रा पावर और एक्स्ट्रा टॉर्क किसी एक ट्रैक्टर में अगर ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसमें माइलेज कैसे ज़्यादा होगी, किसी की पावर ज़्यादा है किसी का टॉर्क भी ज़्यादा है तो उसकी माइलेज कैसे ज़्यादा हो सकती है, ये तो बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन मार्क है। तो इसका आंसर ये है दोस्तों कि हमने जो अपने इंजन्स बनाए हैं आज के समय में वो बहुत ही आधुनिक टेक्निक से बने हुए हैं। इसके अंदर हमने मैक्सिमम टॉर्क जो है 196 न्यूटन मीटर का दिया है, बाकी पूरी इंडस्ट्री के अंदर 150 न्यूटन मीटर, 140, 145 न्यूटन मीटर पे इस एचपी श्रेणी में ट्रैक्टर ख़त्म हो जाते हैं। तो 196 न्यूटन मीटर, अब न्यूटन मीटर टॉर्क अगर आप समझते हैं दोस्तों, तो टॉर्क से ही पुलिंग पावर एक ट्रैक्टर की ड्राइव होती है। तो इससे क्या फ़ायदा है किसान को, बड़े इम्प्लीमेंट वो चला सकते हैं, आगे आने वाले समय में आधुनिक टेक्नोलॉजी के नए इम्प्लीमेंट आएंगे उनको भी चलाने का उनको इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा। उस तो एक और चीज़, अब एक्स्ट्रा टॉर्क की तो बात होगी कि हमने टॉर्क जो रखा है इसमें, बड़े साइज़ के इंजन है हमारे और ज़्यादा क्यूबिक कैपेसिटी वाले इंजन है। दूसरा हमारे जो आप देखेंगे पीछे पीटीओ पावर, अब ये 43 HP का ट्रैक्टर है, ठीक है, इसकी पीटीओ पावर कितनी है पीछे 39.5, केवल गिरावट कितनी हुई 2 HP की। बाकी सभी ट्रैक्टरों में दोस्तों आप देखेंगे कम से कम गिरावट आपको 6 से 7 HP की गिरावट मिलेगी। इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ, एक पुश बटन दिया हुआ है, इसको बस खोलेंगे आप और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा इंजन यहाँ पर हुड खुल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं जो E3 इंजन के बारे में आपको बता रहा था। E3 में एक्स्ट्रा टॉर्क, एक्स्ट्रा पावर आप पीटीओ पावर से जान सकते हैं कि सभी ट्रैक्टरों से 3 से 4 HP आपको यहाँ पर पीटीओ पावर पीछे चेसी प्लेट पर लिख कर आएगी जो कि सरकार टेस्ट करके देती है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा माइलेज की। माइलेज दोस्तों इसका पीटीओ का जो टेस्ट होता है उसके बाद चेसी प्लेट पर पीटीओ SFC लिखी जाती है, तो वो मैं आपको पीछे दिखाऊंगा भी पीटीओ SFC क्या है और कितना उसमें मेंशनड है। बाकी अन्य सभी ट्रैक्टरों से इसकी पीटीओ SFC कम है, मतलब कि पर ग्राम HP बनाने के लिए कितने से तेल खाएगा वो इसमें मेंशन किया हुआ है ट्रैक्टर में, सभी चेसी प्लेट पे होता है, तो इसमें सबसे आपको न्यूनतम मिलेगा। वो कैसे है, इसका जो इंजन की पूरी डिज़ाइन है, पूरी जो विशेष टेक्नोलॉजी है जो जैपनीज टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर जो हमारा ये बेस ट्रैक्टर है उससे हमें पावर और टॉर्क के साथ साथ माइलेज भी एक्स्ट्रा मिलता है।
दोस्तों दूसरा, जैसे मैंने टॉर्क बताया 196 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क है, तो जिस ट्रैक्टर के अंदर टॉर्क अधिकतम होगा उसको किसान बड़े इंप्लीमेंट से चलाएगा और निरंतर चलाने की क्षमता देगा ट्रैक्टर उसको। तो उससे क्या होता है दोस्तों, मैं अब बताता हूँ आपको। मान लीजिए आप सबसे उच्चतम टॉर्क पे ट्रैक्टर चला रहे हैं 196 न्यूटन मीटर, जो कि हमारी आरपीएम 1000 से लेकर 1500 आरपीएम के बीच में आता है। किसान इसी पे चलाता है ज़्यादातर ट्रैक्टर। तो इस ट्रैक्टर को अगर आप 1000, 1200, 1500 पे चलाएंगे, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क पे चलाएंगे और कंपनियों से 50 न्यूटन मीटर ऊपर है वो टॉर्क, तो उससे क्या होता है अंदर हीट प्रोड्यूस होती है इंजन के, ठीक है, इंजन गर्म होने की क्षमता रहती है। तो उसको बचाने के लिए और उसको अच्छा प्रभाव से, ताकि इंजन हमारा बिना रुके बिना थके काम करता रहे, इसमें दी है 7-स्टेज कूलिंग। आप दोस्तों देखोगे इसका बोनेट, बाकी सभी कंपनीज बोलती हैं उनका फाइबर का बोनेट है और बोलेंगी सिंगल पीस बोनेट और उसको भी प्रमोट करती हैं, हमारा ये 24 पीस में बोनेट बनता है। 24 पीस बोनेट बनाने के लिए लागत खर्चा कंपनी सब अपने सिर पे लेती है, बट कस्टमर को हम बेहतरीन से बेहतरीन चीज देने का वादा करते हैं। आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4 चार तरफ से एयर इनटेक अंदर लेगा हवा इंजन, और 1, 2, 3 जगहों से ये ट्रैक्टर अपनी हीट को बाहर निकालेगा इंजन की, ताकि इसका टेम्परेचर संतुलन हमेशा बना रहे। हाँ, तो उससे ये फायदा होगा किसान भाई जो है लंबे समय तक जो है ट्रैक्टर का उपयोग कर सकते हैं। और अगर इंजन का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तो एक सही तापमान पे जब काम करेगा तो फ्यूल की खपत कम होगी। और सेकेंडली ये देखेंगे आप, इधर बोला जाता है एफिशिएंट बैटरी का डिजाइन। अब इसमें आप देखेंगे कि जो भी हमारा पूरा रेडिएटर का एरिया है वो पूरा का पूरा फ्री है, बैटरी बिल्कुल नीचे सटाकर बिठाई हुई है, ताकि जो मैक्सिमम एयर की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा इंक्रीज हो और इंजन का तापमान हमेशा एक सामान्य बना रहे। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि 196 न्यूटन मीटर का हाई पावर वाला हमारा इंजन है, तो दोस्तों जिसका न्यूटन मीटर हाई होगा, टॉर्क हाई होगा, तो उसमें आगे से लेकर पीछे तक सभी मजबूत चीजें लगाई जाएंगी, कुछ भी अंडर डिजाइन या फिर कमजोर चीज नहीं लगा जा सकती, क्योंकि वो टूट जाएगी। इंजन बोलेगा कि मैं आगे खींच के लेके जाऊं, इंप्लीमेंट बोलेगा मैं पीछे खींचूं, उसके बीच में फंसेगा क्या, ट्रांसमिशन और गियर बक्सा। तो अगर ये हल्का लगा दिया तो फिर काम तमाम। तो हमने आज के समय में अपनी सबसे हैवी ड्यूटी यहां पर फ्लाई व्हील, साथ में 11 इंच का सेरा मेटालिक क्लच, और उसके साथ में पीछे 10+5 मल्टी स्पीड मोस्ट पावरफुल ट्रांसमिशन दिया है इसके अंदर। दोस्तों एकमात्र ट्रैक्टर है भारत में जो कि 5वें गियर के साथ आता है। 5वें गियर के साथ आपको टॉप स्पीड मिलती है जो कार की स्पीड होती है, 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। तो इतनी ज्यादा स्पीड पे जो ट्रैक्टर चलता है उसके लिए हमारा जो 10+5 का ट्रांसमिशन है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसमें आपको हर गियर में जैसे लो के 5, हाई के 5 और रिवर्स के 5 गियर मिलेंगे। तो लो के 5 गियर जो हैं वो आपके जो भी खेती के उपकरण हैं, मान लीजिए प्लॉ हो गया, इन सब में अतिरिक्त एक एक स्पीड मिलती है। प्लॉ आप L1, L2, L3 पे चला सकते हैं, कल्टीवेटर आप L3, L4, H1, L5 पे चला सकते हैं, इसी प्रकार हैरो भी आप 4 स्पीडों पे चला सकते हैं, ठीक है। तो रोटावेटर जो है L1, L2 पे आप चला सकते हैं, कहीं कहीं जगहों पे L3 में भी और H1 में भी चलता है जहां फास्ट स्पीड रोटावेशन करते हैं, ठीक है, जो रेतीली मिट्टी है राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सभी प्रकार के जो हमारे, अब इसके ऊपर बैठ के दिखाते हैं दोस्तों। दूसरा आप देखेंगे कंपनी ने छोटी छोटी सुविधा जो यहाँ पर दी है, अनुमानित ये हैंडल और कंपनी वाले नहीं लगा कर देते। इससे क्या होता है किसान यहाँ से पकड़ कर ऊपर चढ़ता है, तो आने वाले समय में जब इस पे चढ़ेगा तो पूरा भार इस पे आता है, तो भार आने की वजह से स्टेयरिंग कॉलम जो है वो थोड़ी बेंड हो जाती है आने वाले समय में, तो उसके बुश कट जाएंगे, तो वहाँ पर 2000-2500 का खर्चा होता है किसान का। तो हमने छोटा सा यहाँ पर एक ऐसा कंफर्ट का फीचर दिया है जो कि किसान, एक तो उसकी बचत भी हो, टूट फूट ना हो, दूसरा यहाँ से वो आसानी से चढ़ पाए। तो दोस्तों स्टाइलिंग के फीचर हैं जो हमारे सीट पे बैठ के आपको मिलेंगे वो दिखा देते हैं। इतने ज़्यादा आपको डैशबोर्ड पे फीचर दिखेंगे। यह वह क्लस्टर है जो कि हमारा पूरे विश्व के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सप्लाई हो रहा है। हमने देश के जो अपने ग्राहक हैं उनके लिए खास ध्यान रखा कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का हमारा क्लस्टर है वही जाए। इसमें आप देखेंगे टाइम मीटर, 500 घंटे हर 500 घंटे की सर्विस के ऊपर सर्विस का बजर अलार्म बजेगा। क्लॉक को रीसेट करना है तो आप यहां से बैठ के यहां पर क्लॉक को रीसेट कर सकते हैं। एकमात्र ट्रैक्टर जो SL स्विच के साथ आता है, यानी कि सॉलिड सिग्नेचर लाइट, जैसे महंगी गाड़ियां होती हैं आपकी ऑडी BMW, तो ये ऑडी BMW के अंदर आप दूर से समझ जाते हैं उनकी लाइटें देख के कि भैया उनके अंदर ऑडी BMW आ रही है, वैसे ही इसके अंदर जो लाइट्स दी गई हैं वो बहुत स्पेशल तरीके की हैं। फेंडर पर भी और आगे प्रोजेक्टर लैंप भी दिए गए हैं, तो उस पर बाद में आएंगे। तो अभी समझते हैं थोड़ा सा
कि और इसमें क्या फीचर है। अब तो अभी थोड़ी बैठक की बात करते हैं। बैठक में अगर आप देखेंगे तो मैं बहुत आरामदायक तरीके से बैठा हूँ इस पर, और फिर भी मेरे पास आधा फुट यहाँ पर जगह है और आधा फुट यहाँ पर भी जगह है मेरे पास पूरे पैर फैलाने के लिए। दूसरा, यहाँ पर अगर किसान भाई को डीजल टंकी या फिर यूरिया की बोरी और कुछ भी अपना सामान रखना है, ड्रॉबार, पट्टी, रियो, टो हुक, तो वो यहाँ पर आसानी से रख सकता है। बाकी सभी ट्रैक्टरों में सेंटर शिफ्ट में यहाँ पर गियर आते हैं, तो ये इसका फायदा है। इधर देखेंगे आप, जो 10+5 की हम बात कर रहे थे, तो पांचवा अतिरिक्त गियर आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि हर एप्लीकेशन के लिए और हॉलेज में हाई स्पीड के लिए यहाँ पर आपके पास उपलब्ध है। एक बहुत ही अच्छा फीचर दोस्तों कि यहाँ पर जब मैं ब्रेक दबाता हूँ और साथ में क्लच करता हूँ, इसको एक्सेलरेट करता हूँ, मतलब रेस बढ़ाई और ब्रेक लगाई, तो इसके बीच में मेरे को एडी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अनुमानित दूसरे ट्रैक्टरों में आपको इस प्रकार चलाना पड़ता है, उससे क्या होता है किसान का जो ये पांव है ये दर्द करने लग जाता है आने वाले, मतलब 5-6 घंटे अगर लगातार चला लिया तो उसमें उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। साथ में इधर आपको लो और रिवर्स, अब इसका एक मैं छोटा सा डेमो दूंगा दोस्तों कि आप अगर ट्रैक्टर चला रहे हैं, मान लीजिए आपने पहले गियर में इसको चलाया है ट्रैक्टर को, तो आप इसे अगर लो में करेंगे तो ये ट्रैक्टर आगे जा रहा है, और इसको तुरंत प्रभाव से पीछे कर देंगे तो रिवर्स में जाने लग गया। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम शटल लीवर। तो इसमें मैकेनिकल एक तरह से शटल लीवर दिया है, जो कि आपको अन्य ट्रैक्टर में 50,000 से 60,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट पे मिलेगा। हमने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये फीचर देने का प्रयास किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैठ के अगर देखें हम, तो ये जो सीट है हमारी, बाकी सभी ट्रैक्टर कंपनियों में हाफ सीट आएगी, ठीक है। इसके अंदर पूरी पीठ के ऊपर तक आराम किसान के पास रहे, और आप देख सकते हैं कितना मोटा कुशन इसके अंदर दिया गया है। तो लगातार 24 घंटे भी हमारे किसान हैं जो कि बैठते हैं और ट्रैक्टर चलाते हैं और फीडबैक देते हैं कि बहुत कंफर्टेबल आपका ट्रैक्टर है। तो दोस्तों ये इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्विच। जैसे गाड़ियों में आपके पास आज के समय इतनी सुविधा है कि एक ही हाथ में आप सारे कंट्रोल चाहते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपका हाई बीम, लो बीम हो गया, लेफ्ट राइट का इंडिकेटर हो गया, सारा एक स्विच से यहाँ पर है। साथ ही में हॉर्न भी आपको यहीं पर दिया गया। ये ट्रैक्टर 43 HP का है, ठीक है, 42 HP श्रेणी में। इसकी जो PTO HP मैंने आपको बताई 39.5 की है, ठीक है। तो अगर आप 43 से देखेंगे तो केवल 3 HP का ड्रॉप इसमें है। बाकी सभी ट्रैक्टरों में ये आएगी, जो इसके रिस्पेक्ट के ट्रैक्टर है उनमें आएगी, किसी में 33, किसी में 34, मैक्सिमम 35 आएगी। तो 4 HP PTO, अगर एक PTO HP का 10,000 आप मान लीजिए कि आपको खर्चा देना पड़ता है, तो यहाँ पर हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पावर दे रहे हैं। अब एक और चीज़ समझने वाली है दोस्तों, आप ट्रैक्टर में सबसे ज़्यादा टॉर्क दे रहे हैं 196 Nm, उसके बाद बाकी सब कंपनियाँ 4 गियर दे रही हैं, हम दे रहे हैं 5 गियर। तो जिसमें ज़्यादा गियर होंगे उसका लॉस ज़्यादा होकर PTO HP तो कम मिलनी चाहिए, हम दे रहे हैं यहाँ पर PTO HP ज़्यादा। इस चीज़ को बोलते हैं नेक्स्ट जेन ट्रांसमिशन। ये है हमारी जैपनीज टेक्नोलॉजी, ये बाकी किसी ट्रैक्टर में आपको नहीं मिलेगी कि आपने गियर नंबर ऑफ बढ़ा दिए और PTO HP ज़्यादा निकाल कर दे रहे हो। तो PTO HP जो है वो आपको दिखाएंगे हम, आप आइए इधर देखिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 39.56 की PTO HP, यहाँ पर देखिए HP लिखा है 39.56। और दोस्तों जो मैं बात कर रहा था SFC स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, यहाँ पर देखेंगे आप तो 183 ग्राम पर HP आवर, 1 HP बनाने के लिए 1 घंटे में 183 ग्राम कराएगा। ये बाकी सभी ट्रैक्टरों में आपको किसी में दिखेगा 190, 195। तो ये एक तरह से फ्यूल एफिशिएंसी का निर्देश है जो सरकार टेस्ट करके बताती है और चेसी प्लेट पे लगाती है। लिफ्ट कैपेसिटी से पहले मैं पहले इसकी लिफ्ट की टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ आपको। होता क्या है कि इसमें सभी किसान भाई कुछ ट्रैक्टर खरीदते हैं बुआई के लिए, कुछ खरीदते हैं जुताई के लिए, ठीक है। तो बुआई के लिए अच्छे ट्रैक्टर माने जाते हैं जिनकी लिफ्ट की सेंसिंग बहुत अच्छी होती है, और जुताई के लिए वह ट्रैक्टर अच्छे माने जाते हैं जिनमें पावर अच्छी होती है क्योंकि वो गाड़ के चलाने हैं। और बुआई के लिए पता है सभी को यहाँ पर कुछ ट्रैक्टर हैं ऐसे जो कि बढ़िया चलते हैं, उनकी सेंसिंग अच्छी है। हमने दोस्तों, पर ऐसा नहीं है कि अब अलग किसान को तो अपनी फील्ड में दोनों करने हैं, बुआई भी जुताई भी, तो दो ट्रैक्टर तो किसान लेगा नहीं। तो यहाँ पर सॉलिस ने क्या प्रयास किया है कि वो सेंसिंग, जो बुआई के सारे काम है वो सेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत ज़्यादा एडवांस बनाया गया है, ताकि बुआई और जुताई के लिए एक ही ट्रैक्टर इस्तेमाल होकर किसान को सभी काम कर दे पाए। इसमें 55 लीटर का फ्यूल टैंक आता है डबल ऑयल लिड के साथ, डबल प्रोटेक्शन के साथ। इसके साथ एक अंदर और प्रोटेक्शन का लॉक दिया गया है जो कि आपकी चाबी से ही खुल जाता है, पहली चीज। दूसरा, जो आपने पूछा खपत, अब खपत जो है वो हर एक इम्प्लीमेंट पर अलग होती है, कल्टीवेटर पर अलग होगी, हैरो पर अलग होगी,
तो हम ये कहते हैं कि आप किसी भी ट्रैक्टर कंपनी से अगर सेम इम्प्लीमेंट हमारे ट्रैक्टर में और उसमें जोड़ेंगे तो इसके अंदर आपको 5-10% की फ्यूल सेविंग होगी। मान लीजिए अगर अन्य ट्रैक्टर में आपने 10 घंटे काम किया और आपका 10 लीटर 12 लीटर तेल लगा तो इसमें वही आपका 9-10 लीटर लगेगा। दोस्तों मैं सबसे बम्पर धमाका अब देता हूँ आपको, बाकी सभी ट्रैक्टरों में 500 घंटे की सर्विस नहीं आती है। हमारा सॉलिस है जिसमें कि 500 सर्विस का आपको घंटे का वादा मिलता है। तो हमारी अगर 5000 घंटे पे टोटल सर्विस बैठेंगी केवल 11, पहली 50 घंटे पे, फिर सभी 500 घंटे पे, और बाकी यही देखें अगर बाकी ट्रैक्टर कंपनियों में हर 250 घंटे पे तो उनकी पड़ेगी सर्विस 21, तो 10 सर्विस का आपको फ्री यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 साल की वारंटी है, ठीक है। 5 साल की वारंटी में आपका ट्रैक्टर का पूरा चेसी पार्ट जो है वो कवर होता है। बाकी तो है फाइनल में अपन इस ट्रैक्टर की जो है प्राइस की बात कर लेने, कितनी कीमत में जो है किसान भाइयों को ये वाला मॉडल जो है पड़ने वाला है प्रतापगढ़ में। प्राइस से पहले एक आखिरी चीज जो रह गई है वो मैं बताता हूँ आपको। इस ट्रैक्टर का जो आप डिजाइन देखेंगे, जो शुरुआत मैंने की बट अब अंत से कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया पांचवा गियर केवल एकमात्र ट्रैक्टर में है, तो 40-45 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी टॉप स्पीड है। तो जिस ट्रैक्टर की इतनी ज़्यादा टॉप स्पीड हो तो सरकार के निर्देश हैं कि उसके जो कुछ लाइट का एरिया है उसको बोला जाता है कि वो लाइट का एरिया पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, चाहे बारिश हो, चाहे धुंध पड़े, चाहे किसी भी परिस्थिति में। तो उसके लिए हमें स्पेशल प्रोजेक्टर लैंप्स लगाने पड़े। ऐसा नहीं है कि बाकी ट्रैक्टर कंपनियों की तरह जो 1990 के अभी तक लैंप यूज़ कर रही हैं, जो मारुति 800 की गाड़ियां थी वैसे लैंप। हमने सबसे आधुनिक जो आपकी गाड़ी देखेंगे, आप भी कार चला रहे होंगे तो आपकी कार में जाके देखिए प्रोजेक्टर लैंप वहां दिया जाता है। तो इसका यही फायदा है कि बारिश हो रही है, अगर धुंध है तो ये आपका कुछ एरिया है, क्योंकि 40 किलोमीटर पर ट्रैक्टर चलेगा तो वो एरिया बिल्कुल साफ और क्लियर दिखना चाहिए। तो ये प्रोजेक्टर लैंप्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं। दाम की बात करें दोस्तों तो दाम इसका 4215 का 7,80,000 से लेकर 8,00,000 आपको मिलेगा विद आरटीओ इंश्योरेंस। अपनी नज़दीकी किसी भी डीलरशिप पे जाइए और इस ट्रैक्टर का आनंद लीजिए। धन्यवाद।